नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विन एग्जाम्स डॉट कॉम के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए एक नई सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें हम पुराने एमपीपीएससी के पेपर्स का डिस्कशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कैसा पैटर्न आता है। इससे हम काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी और कई सारे हम उसमें ऑप्शंस के साथ में भी कुछ इन्फॉर्मेशन एडिशनल देते जाएंगे, जिससे अभी इस पेपर में 2018 के पेपर में आपको हेल्पफुल रहे। तो हम इस सीरीज़ में 2003 से शुरुआत करके 2017 तक के सभी क्वेश्चन पेपर्स के एनालिसिस करेंगे और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पेपर है 2003 का और ये एक अलग सीरीज़ चलेगी और इसके साथ में एक और सीरीज़ चलेगी जिसमें हम जो 2018 का एमपीपीसी का एग्ज़ाम है उसके लिए जो फिन एग्जाम्स डॉट कॉम पे जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनका भी एक एनालिसिस का एक सीरीज़ हम दूसरे वीडियोस में एक सीरीज़ और निकाल रहे हैं उसकी भी, तो वो भी आप देख सकते हैं। और इसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको विन एग्जाम्स डॉट कॉम के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आ जाएँ। तो शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट है एमपीपीएससी 2003, 2003 का ये पेपर है। इसका पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश दिवस आप सभी को मालूम है 1 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 1 नवंबर? क्योंकि 1 नवंबर को मध्य प्रदेश को स्टेटहुड मिला था, मध्य प्रदेश राज्य बना था। और मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। इसी के साथ में और भी कई राज्य हैं जिनका गठन हुआ था मध्य प्रदेश के साथ में, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला और हरियाणा। और 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से पृथक होकर छत्तीसगढ़ भी राज्य बना था। तो ये जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, ये जो राज्य बने थे ये स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट 1956 के तहत बने थे। और इन्हीं के साथ में इसी दिन सन 2000 में छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया? तो इसका आंसर है कान्हा किसली। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बता दूं, प्रोजेक्ट टाइगर सन 1973 में शुरू किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाघों के संरक्षण के लिए। और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत मध्य प्रदेश के कई सारे टाइगर रिजर्व उसको शामिल किया गया प्रोजेक्ट टाइगर में, जैसे कान्हा किसली, पेंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा और संजय टाइगर रिजर्व आदि। ये सभी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल सेंचुरीज हैं जो बाघ के संरक्षण के लिए बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, CIA किस देश की प्रमुख जांच एजेंसी है? तो CIA आप सभी को मालूम होगा अमेरिका की जांच एजेंसी है, पाकिस्तान की जांच एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI, चाइना की है MSS और रशिया की USSR के समय से KGB थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चंद्रमा पर पांव रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? मतलब चंद्रमा पर सबसे पहले अपोलो 11 रॉकेट से सबसे पहले नाइल आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहला कदम रखा था चंद्रमा पर। और आपको ऑप्शन में दिख रहा है यूरी गागरिन। तो यूरी गागरिन पहले व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे, स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति यूरी गागरिन। और पहले भारतीय राकेश शर्मा और भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला। तो यूरी गागरिन पहले स्पेस में जाने वाले पहले मनुष्य थे जो USSR के प्रोजेक्ट में गए थे और नाइन आर्मस्ट्रॉन्ग अपोलो 11 रॉकेट से चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति बने। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एन इक्वल म्यूजिक किताब किसने लिखी है? ये किताब लिखी है विक्रम सेठ ने। विक्रम सेठ प्रख्यात लेखक हैं और इनकी कई सारी फेमस किताबें हैं, जैसे असुटेबल बॉय और एक किताब है इनकी गोल्डन गेट। इसके लिए इन्हें 1985 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। फिर अगले ऑप्शन में आपको दिख रहा है सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी भी एक काफ़ी जाने माने राइटर हैं और काफ़ी कंट्रोवर्शियल राइटर भी हैं। चलो, इनकी कई सारी कंट्रोवर्शियल किताबें आई हैं जो मतलब काफ़ी फेमस रहे हैं उस वजह से। इनकी एक फेमस किताब है द सेनेटिक वॉर्स, मिडनाइट चिल्ड्रन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चेतन भगत की भी कई सारी फेमस किताबें हैं, जैसे थ्री मिस्टेक्स ऑफ लाइफ, अभी रिसेंट में हाफ गर्लफ्रेंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के घुटने का ऑपरेशन किसने किया? अब ये उस समय के परिप्रेक्ष्य में, उस समय के मिसलेनियस करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन आ गया है, लेकिन आप ये समझते हैं, इससे ये समझ सकते हैं कि न्यूज़ में जो भी न्यूज़ में चल रहा हो करंट में वो कुछ भी आ सकता है। तो इसका आंसर है डॉक्टर सी रनावत। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मध्य प्रदेश का राज पक्षी क्या है? मध्य प्रदेश का राज पक्षी है दूधराज, एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया? देश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय कोलकाता में स्थापित हुआ था। और देश का पहला एम्स कहाँ बना? देश का पहला एम्स जो था वो जज्जर नई दिल्ली, जज्जर दिल्ली में बना था सन 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस नदी का उद्गम बैतूल है? बैतूल ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। और ऑप्शन में आपको दिख रहा है सोन नदी, सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और यमुना की ट्रिब्यूटरी यानी कि यमुना की सहायक नदी है सोन नदी। और बेतवा नदी निकलती है होशंगाबाद से, ये विंध्याचल रेंजेस से निकलती है। माही नदी धार से निकलती है मध्य प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस मनाया जाता है 26 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विश्व सुंदरी का खिताब किसे कभी नहीं मिला? ये है नफीसा जोसेफ, इन्हें कभी नहीं मिला है, मतलब ये उस समय के क्वेश्चन। ज्योति रंधावा किस खेल से जुड़ी हुई है? इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपको मिल जाएंगे, या जैसे फला फला स्पोर्ट्स पर्सन एक्स वाई जेड किसी का भी नाम दे देंगे, ये किस खेल से जुड़े हैं, या फिर ऐसा आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी गोल्फ से जुड़ा है या हॉकी से जुड़ा है, इस तरह के क्वेश्चन हर बार आते हैं। ये एक फिक्स पैटर्न है क्वेश्चंस का, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन का। तो स्पोर्ट्स रिलेटेड पर्सनालिटीज के नाम आपको पता होने चाहिए कि कौन सा खिलाड़ी कौन सा खेल खेलता है, या कौन सा खिलाड़ी कौन सा व्यक्ति किस खेल से संबंधित है, इस तरह से। तो गोल्फ खेलती हैं ज्योति रंधावा। गोल्फ से और भी खिलाड़ी आते हैं, फेमस खिलाड़ी हैं जैसे अनिर्बन लाहिड़ी, जीव मिल्खा सिंह आदि। और हॉकी के भी कई फेमस खिलाड़ी हैं जो आपको नाम याद रखने चाहिए, जैसे धनराज पिल्लई, ये पूर्व कप्तान रहे हॉकी के भारतीय टीम के, संदीप सिंह और पी आर राजेश को हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है? तो कालिदास सम्मान कला के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार में 2 लाख रुपए की राशि नर को मिलती है और ये उज्जैन में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अपहृत विमान IC-814 के एवज में किस आतंकवादी को छोड़ा गया? ये विमान कांधार हाईजेक करके कांधार ले जाया गया था, इसके एवज में मौलाना मसूद अजहर आतंकवादी को छोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मध्य प्रदेश में मैग्नीज का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ है? मैग्नीज सबसे ज्यादा बालाघाट में मिलता है। ये भी आपको मध्य प्रदेश GK में पढ़ना होगा कि कौन कौन से यहाँ से खनिज मिलते हैं और किस क्षेत्र में किसका बहुतायत है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करता है? उस समय का प्लानिंग कमीशन था, आज नीति आयोग है, तो ये है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग के 1956 में कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए गए? इसमें 15 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए गए थे 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है? यह है सोयाबीन, सोयाबीन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आता है, नंबर 1 प्रोड्यूसर है सोयाबीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? भिलाई स्टील प्लांट है भिलाई छत्तीसगढ़ में और ये USSR सोवियत यूनियन के सहयोग से बनाया गया था सन 1955 में, यह है भिलाई छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, किस जिले में बघेली भाषा नहीं बोली जाती है? ये है टीकमगढ़, टीकमगढ़ में बुंदेली भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं थे? इसमें से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं? इसका आंसर है श्री गोविंद नारायण सिंह। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, मध्य प्रदेश में अवंतिकापुरी किसे कहा जाता था? अवंतिकापुरी उज्जैन का पुराना नाम है। चचाई जलप्रपात किस जिले में है? चचाई जलप्रपात है रीवा जिले में और ये किस नदी पर बना है? ये बना है बीहर नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, जिब्राल्ट ऑफ इंडिया किस दुर्ग कहा जाता है? किस किले को जिब्राल्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है? ये है ग्वालियर का किला। ग्वालियर का किला किसने बनाया था? महाराजा मान सिंह तोमर ने। अगला सवाल ले लेते हैं, अगला सवाल है, खैरागढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय, वहां पे संगीत विश्वविद्यालय है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इसी दोस्तों, ये 2003 MPPSC पेपर के पेपर का फर्स्ट पार्ट था एनालिसिस का। सेकेंड पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसका सेकेंड पार्ट देख पाएंगे। अभी के लिए धन्यवाद, और हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
और बेल आइकन का जरूर दबाएं ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन पा सकें। धन्यवाद।